हेलो दोस्तों, आज हम 1440 RPM एक्वाटेक्स 2 HP मोटर की बाइंडिंग का भाग 4 बता रहे हैं। इसमें कनेक्शन बताएंगे सारे, अपन कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। पीछे वाले भाग देखने के लिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वीडियो की लिंक पे मिल जाएगी सर इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन कनेक्शन करना। ये देखिए दोस्तों, पीछे साइड से अपन ने बांधना स्टार्ट कर दिया है। सेपरेटर वगैरह पहले वाले भाग में बता चुके हैं, इसके पहले भाग में इस तरह इस कॉटन टेप से बांध देंगे अच्छा खींचते हुए। बन चुके हैं, अब अपन कनेक्शन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉइल की बड़े और छोटे सभी में इस तरह के स्लिप के टुकड़े डाल लेंगे। इस तरह ये 2 नंबर स्लिप के टुकड़े डाल लेंगे अपन सारे वायरों पर, जिनके जम्पर करेंगे अपन। ये देखिए, इस तरह छील लेंगे सभी तारों को, इनका पॉली कवर निकाल देंगे। ये एनामल कवर इंसुलेशन है, इसमें जो एनामल पॉलिश है उस पॉलिश सब निकाल देंगे। इस तरह से पूरा पॉलिश उतार देंगे। इस तरह को अच्छी तरह साफ करना है इनको, सारे वायरों को। रनिंग वाले करना है अपन, इस तरह स्टार्टिंग के करेंगे दोस्तों। पूरा एनिमल कवर निकालना अच्छी तरह से, जॉइंट सही तरीके से हो अपना। ये देखिए दोस्तों, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कनेक्शन करना। ये बड़ी वाली कॉयलों के दोनों बड़े वाले सिरे जो है ये दोनों जोड़ देंगे। छोटा वाला अपन ने ये बाहर रख लिया कनेक्शन लीड के लिए पहले, जो इससे आगे बढ़ते जाएंगे। ये छोटी वाली से छोटी वाली जोड़ देंगे अगली वाली कॉयल पर, फिर इस तरह ये बड़ी वाली से बड़ी वाली जोड़ देंगे। ये 3 जम्पर होगा, ये 2 लीड निकल आई अपनी कनेक्शन वाली। ये 2 लीड निकाल चुके हैं अपन, ये देखिए 2 लीड निकल जाएगी। और सीरीज में सही के एक तरफ से एंड वाली से एंड जोड़ दिया, स्टार्ट वाली से स्टार्ट जोड़ा, इस तरह 3 जोड़ दिए अपन ने। इनमें एक 4 नंबर स्लीप का टुकड़ा लगा लेंगे ऊपर से, और इनको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, कनेक्शन को बिल्कुल आराम से देखें समझें। इस तरह अच्छा टाइट कर देंगे पूरा, टाइट हो चुका है। अब इस पर एक 2 नंबर स्लिप का टुकड़ा लगा देंगे वायर के ऊपर, इस तरह दबाकर। अब ये 4 नंबर स्लिप का टुकड़ा डाला था उसको उसके ऊपर चढ़ा देंगे अपन इस तरह। इस तरह से ये जॉइंट कंप्लीट कर देंगे, एक जम्पर हो गया अपना। ये एंड से एंड वाला किया है अपन ने, स्टार्ट वाला बाहर निकाल लिया है।
अगले वाले सेट में इसी तरह स्टार्ट वाले को स्टार्ट से जोड़ेंगे आगे के उससे। ये जम्पर कंप्लीट हो गया। ये अपन चार नंबर स्लीव का टुकड़ा डाल लेंगे। फिर उसको इस तरह से ही जॉइंट कर लेंगे। ये अच्छी तरह से जॉइंट कर लेंगे पूरा टाइट करते हुए। अच्छा टाइट कर देंगे। ये इस पर भी एक स्लिप का टुकड़ा लगा देंगे इस तरह से। अब इसको अच्छा टाइट करके डबल कर देंगे उसको स्लीप को, ताकि ये गर्म होकर दूसरी कॉइल पर शॉर्ट ना हो। ये दो जम्पर कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, इसी तरह से तीसरा जम्पर भी करेंगे। स्लिप डाल लिया एक चार नंबर टुकड़ा उसके ऊपर से, फिर ये जॉइंट किया अपने अच्छे टाइट से करेंगे। अच्छा प्लास से फुल टाइट कर लेंगे। ये सही टाइट हो गया है। अब ये एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे यहाँ से और फुल टाइट कर देंगे। और भी इस पर एक स्लीव लगा देंगे इस तरह। यहाँ से दबाकर ये चार नंबर कवर कर देंगे डबल से। ये कनेक्शन लीड तीनों जम्पर हो चुके हैं। ये कनेक्शन लीड के लिए अपन स्लीव डाल के बाहर निकालेंगे ये वायर को। दोस्तों ये वायर को निकालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये वेस्ट नहीं होता, कहीं जलता नहीं है। इस पर डबल स्लीव डाल देंगे। ये दो नंबर स्लीव डाल दिया, अब इसके ऊपर तीन नंबर और डाल देंगे। ये देखिए इसको डबल कर देंगे। डबल कवर करने से ये कटेगा नहीं। ये दोनों में डबल कवर कर दिया अपन ने। ये दो वायर अपने कनेक्शन मेन कनेक्शन के लिए निकल गए। ये बाहर निकाल लिए अपन ने। अब स्टार्टिंग में भी सेम उसी तरह करेंगे। इस तरह से ही करते जाएंगे। पहला स्टार्ट वाला छोटी कॉइल से जो वायर था उसको कनेक्शन के लिए रख लिया एक सेट का। उसके बाद अगला वाला बड़ी वाली कॉइल का जो है वो अगले सेट से जोड़ देंगे बड़ी वाली कॉइल से ही। इस तरह कवर करके स्लिप डबल कर देंगे। सेम जिस तरह रनिंग का किया उसी तरह स्टार्टिंग का भी करेंगे। ये बड़ी कॉइल से बड़ी को जोड़ देंगे, छोटी वाली से छोटी जोड़ेंगे और जो लास्ट में दो बचेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे कनेक्शन लीड के लिए। इस तरह कवर कर देंगे। ये स्टार्टिंग के जम्पर डल चुके हैं। अब ये बाहर निकाल लेंगे, लीड बची दो इनको बाहर निकाल लेंगे।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों पे डबल कवर कर दिया, ये मैंने लीड निकाल ली जो अपन ने, ये दो स्टार्टिंग के निकला है, दो रनिंग के निकला है, चार बार निकाल चुके हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ जो समझ नहीं आया हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपको कुछ अलग जानकारी चाहिए हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको भी करेंगे। सेपरेटर लगा लेंगे दोस्तों सभी कॉइलों पे, ताकि लेयर शॉर्ट ना हो, दोनों लेयर अलग अलग रहे स्टार्टिंग और रनिंग। ये पेपर को अच्छी तरह से लगाना दोस्तों, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग पूरी तरह अलग अलग रहे, कहीं पर भी शॉर्ट ना हो पाए आपस में। देखो मोटर कंपनी जैसी बनी है दोस्तों, इसी तरह सफाई से बनाएंगे आप भी तो ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा। ये अपन ने सेपरेटर पेपर लगा दिए, ये सप्लाई के लिए लीड निकाल ली बाहर चार, ठीक है दोस्तों। अब इसको बांधना स्टार्ट करेंगे, ये कॉटन टेप ले लेंगे इस तरह का 1 इंच वाला, चार लीड बाहर निकाल चुके हैं, ये कनेक्शन अपने कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये कॉटन टेप से इस तरह बांध देंगे दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपका अनुभव लगे इससे, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। इस तरह से बांध देंगे दोस्तों, देखिए अच्छा टाइट खींचते हुए बांधना है अपने को। ये अपनी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, देखिए इस तरह से बांध देंगे पूरा अपन खींचते हुए। टेपिंग भी कंप्लीट हो गई दोस्तों, देखिए बांध कर। ये अपन ने बांध दिया दोस्तों, इसके बाद इसको अपन हल्का हल्का ठोक कर शेप में दे देंगे, कॉइलों को जगह बना देंगे, ताकि इस तरह से ठोक देंगे लकड़ी के डंडे से, रोटर डालने में दिक्कत ना आए, रोटर में वायर ना लगे। साइड से भी अपन उठा देंगे, ताकि बॉडी में वायर शॉर्ट ना हो, अर्थ ना ले कहीं से भी। ये सेट बना दिया अपने, ठोककर वायरिंग का सही से सेट कर दिया है। इस तरह से ही सेट करते जाएंगे पूरा। तो ये इंसुलेशन बार्निश डाल देंगे अपन, इसको इंसुलेशन बोलते हैं, बार्निश बोलते हैं दोस्तों। ये डाल देंगे अच्छी तरह से पूरा, सभी वायर को कवर कर देंगे इससे अच्छी तरह डालेंगे। ये इस तरह देखिए दोस्तों, दोनों साइड डाल देंगे। मोटर अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और इसके आगे वाले कनेक्शन अपन जो क्लच में और कंडेंसर लगाएंगे, उसके वीडियो हम अगली उसमें बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए इस पार्ट को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे कनेक्शन के लिए।